हे मनुष्य, तुम में से कुछ को लगता होगा कि तुम मेरे दर्शन प्राप्त कर सकते हो, जबकि कुछ को इस बात पर विश्वास होगा कि ईश्वर को नहीं देखा जा सकता। लेकिन सच क्या है, चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। तुम यह तो जानते होगे कि प्रकृति के प्रत्येक कण में मेरा अस्तित्व है। ऐसा कोई वस्तु नहीं, स्थान नहीं, जिसमें मैं नहीं हूं। लेकिन इस दृश्य जगत में मैं अदृश्य हूं। मैं हर जगह मौजूद हूं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए मुझे ढूंढना इतना आसान नहीं है। अतः बहुत से लोग मुझे देख नहीं पाते, तो मुझे यानी ईश्वर को मात्र एक कल्पना मानकर नास्तिक हो जाते हैं। लेकिन उनके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि तुम्हारे ही अनेक ऋषियों ने गहन चिंतन करके मुझे और मेरे अस्तित्व को पहचाना है। तुम्हें अगर मुझे जानना है, मेरा दर्शन प्राप्त करना है, तो तुम्हें अपनी नजरों को सूक्ष्म करना होगा। तुम अपने इन स्थूल नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि ये स्थूल आंखें स्थूल वस्तुओं को देखने के लिए बनी हैं। उससे तुम सूक्ष्म या सूक्ष्मतर वस्तुओं को नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें सूक्ष्म जीव इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। उन्हें देखने के लिए तुम्हें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। मुझे देखने के लिए भी तुम्हारे पास एक सूक्ष्म आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक चक्षु है, जिसे सामान्य भाषा में लोग तृतीय नेत्र कहते हैं। वह तुम्हारा अंतर्ज्ञान ही है, परंतु इसके लिए तुम्हें खुद को साधना होगा। बिना आत्मनिग्रह, आत्मशुद्धि व आत्मज्ञान के तुम कुछ नहीं हासिल कर सकते। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हें ईश्वर का दर्शन करने के लिए ईश्वर के गुणों को धारण करना होगा। ईश्वर ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकता है। आंतरिक ज्ञान के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा। जब तक दूषित वासनाएं और भौतिक विकार पूर्णतया शांत नहीं हो जाते, तब तक आत्मानुभूति किसी प्रकार संभव नहीं है। महापुरुष ईसा मसीह ने तुमसे कहा था, वे पुरुष धन्य हैं जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हे मनुष्य, मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि सत्य का ज्ञान केवल तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। वह तो तभी प्राप्त हो सकता है जब खोज करने वाला उसी सत्ता में घुल मिलकर एक हो जाए, उसी के रंग में पूरी तरह रंग जाए। तुम भी मेरे रंग में रंग जाओ, फिर तुम्हें मेरे दर्शन से संसार की कोई वस्तु रोक नहीं सकती।